ये ओपीडियन बिल्स की एक शुरुआत हो रही है। ये गाड़ी 4 लोगों के सहयोग से लगभग 20 लाख रुपए के उनके आर्थिक सहयोग से गाड़ी तैयार हुई थी और कोरोना से जस्ट पहले ये चालू हो गई थी, लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित थी। और ये गाड़ी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट की हेल्प लिए लगी हुई थी, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। ये गाड़ी पुणे ओपीडियन बिल सेवा में जा रही है। इसके अंदर 50 रुपये में 3 दिन की दवाई विभिन्न बस्तियों मरीज को मिलेगी। उसके साथ ही जो मरीज गंभीर बीमार होने से पहले ही, संस्था का उद्देश्य है उन्हीं नीम हकीम लोगों के जैसे एक चक्कर में ना पड़े और सही दिशा उनको मिल जाए, उसके लिए उनको हेल्प आगरा हॉस्पिटल भी रेफर किया जाएगा। वहाँ भी बहुत न्यूनतम दर पर उनका इलाज कराने की जहाँ तक संभावना होगी पूरी करी जाएगी। MBBS डॉक्टर, पैरामेडिकल और हर क्षेत्र में गाड़ियाँ जाएगी और मतलब ये निश्चित आप सभी लोगों के सहयोग से, जनता का सहयोग होगा और ये और सेवाओं की तरह ये भी संस्था की सेवा के मुकाम को हासिल करेगी, यही विश्वास है। सुरेंद्र जैन, उपाध्यक्ष हेल्प आगरा जी। एम्बुलेंस द्वारा से जो कोविड टाइम में बंद हो गई थी, इसको द्वारा से हम चालू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत गरीब बस्तियों में जाकर हर तीसरे, मतलब इसका स्थान निर्धारित होगा, हर तीसरे दिन उसी जगह पर जाकर सुबह और शाम खड़ी होगी और इसके अंतर्गत जो भी मरीज होगा उसको 3 दिन की दवाई दी जाएगी सिर्फ 50 रुपये में। इसके अंतर्गत जो आसपास जिन मरीज होते हैं जिनको उनके घर वाले नहीं ले जाते हैं हॉस्पिटल या कहीं पर भी नहीं ले जाने का संबंध होता, वो भी वहीं पर आके इसका इलाज करा सकते हैं। पहले से क्या अलग किया? ये पहले की तरह ही है, परंतु कोविड टाइम में ये बंद हो गई थी, इसको हमारे को से सरकार द्वारा ले ली गई थी जो वैक्सीनेशन के काम में आई थी। अब वहाँ से जो फ्री हो गई है तो हम इसको दोबारा से चालू कर रहे हैं। हेल्प आगरा चिकित्सा सेवा में एक अपना शहर में स्थान बनाए हुए है। इसी क्रम में आज हेल्प आगरा द्वारा OPD ऑन व्हील्स की सेवा शुरू की गई है। ये गरीब बस्तियों में निरंतर जाया करेगी और इन्होंने अपने स्पॉट चिन्हित किए हैं, जैसे गुलाब नगर है, गली भदौरिया है, बोदला है, ये क्षेत्र में ये रिपीटेशन में जाएगी और 3 दिन की दवाई 50 रुपये में पेशेंट को देगी और पेशेंट उससे भी ठीक नहीं होगा तो हेल्प आगरा हॉस्पिटल के रेफर किया जाएगा और जहां उसको यदि आगे सेवा की देखभाल की जरूरत होगी तो उसको भी की जाएगी। पहले से कितनी अलग होगी ये सेवा? एक्चुअली में सरकारी सेवाएं वो उसमें डिस्पेंसरी पे पेशेंट को आना पड़ता है, पेशेंट चूँकि खाने कमाने लायक होता है निश्चित रूप से तो वो जा नहीं पाता है, उसे अभाव है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वहीं पर जाकर सेवा देगी और शहर को इससे बहुत लाभ होगा। कई सालों से सेवा कर रही है और इसी क्रम में OPD 20 को हमने शुरुआत करी द्वारा से। ये गरीब बस्तियों में जाएगी ताकि जो लोग झूला छाप डॉक्टर के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत इलाज हो जाता है उनसे बच सके। और मात्र 50 रुपये में हम 3 दिन की दवाई भी देंगे इसमें साथ में, और यदि कोई गंभीर बीमारी होती है उसको तो हम अपने हॉस्पिटल में हेल्प आगरा बुलाएंगे, उसको वहाँ पर उसका इलाज कराएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसी संस्था का सदस्य हूँ। ये संस्था आज की तारीख में मैं समझ प्रदेश नहीं पूरे देश में अपना छाप छोड़ रही है। आज की जरूरत है परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में ये अग्रणी संस्था है ना, और ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह सेवा हो रही है, हेल्प आगरा फार्मेसी में दवाई किस तरह मिलती है, क्योंकि मेरा भी दवा का व्यापार है तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ दवा कैसे और कितने मार्जिन पर दी जाती है और ये जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं यहाँ पर उसके लिए। और इस एम्बुलेंस के लिए, इस गाड़ी के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, मैं उनको साधुवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।